नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। पूर्व सैनिक निदेशालय 452 पदों के लिए करेगा भर्ती जारी की तिथियां। हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निदेशालय हमीरपुर जल्दी 452 के करीब पदों पर भर्ती करेगा। इसके लिए 1 जून से साक्षात्कार प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। इन साक्षात्कारों के माध्यम से जेओए के ओबीसी के 5, एससी के 85, एसटी के 23 पद भरे जाने हैं। वजेबीटी के सामान्य वर्ग के लिए 140, ओबीसी के 32, एससी के 44, एसटी के 18 पद भरे जाने हैं। वह ड्रॉइंग अध्यापक के सामान्य वर्ग के लिए 45, ओबीसी के 11, एससी के 18 और एसटी के 9 पद भरे जाने हैं। वहीं बता दें कि लाइन मैन के सामान्य वर्ग के 10, ओबीसी के 3, एससी के 7 और एसटी के 2-2 पद भर जाने हैं। मैं बता दें कि 1 जून से विभिन्न पदों के लिए स्क्रीनिंग और प्रमाण पत्र सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस प्रक्रिया में पूर्व सैनिक, दिव्यांग सैनिक और शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं और आश्रितों को शामिल किया जाएगा। सीएम सुक्खू बोले, हिमाचल में स्थापित होगा स्टेट ऑफ द आर्ट नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र। हिमाचल प्रदेश सरकार नशीले पदार्थों की गिरफ्त में आ चुके युवाओं के लिए नशा मुक्ति एवं पुनर्वास नीति तैयार करेगी। वहीं मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि इस नीति के प्रारूप प्रस्ताव तैयार किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने शनिवार को इसको लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशाखोरी पर अंकुश लगाने व दीर्घ अवधि के लिए योजना बनाना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए प्रस्तावित नीति के प्रथम चरण में नशा मुक्ति के लिए पुलिस और स्वास्थ्य विभाग तथा सलाहकार बोर्ड की मदद ली जाएगी। वहीं द्वितीय चरण में इनके पुनर्वास के लिए स्वास्थ्य, युवा सेवाएं एवं खेल, शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, कृषि और बागवानी विभाग के समन्वय से कार्य किया जाएगा। हिमाचल के बाद अब कांग्रेस ने कर्नाटक में पटक दी भाजपा, सालों बाद हासिल की धांसू जीत। जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित हैं। वहीं मिठाई बट रही है, ढोल बज रहे हैं, कार्यकर्ताओं नाच रहे हैं और यहां कांग्रेस मुख्यालय में जबरदस्त जश्न का माहौल है। वह नतीजों में कांग्रेस को 138 जबकि भाजपा को 62 सीटों पर जीतती दिख रही है। इसी खुशी में कांग्रेस मुख्यालय के अंदर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं और बाहर सड़क पर भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नारेबाजी कर खुशियां मना रहे हैं। बता दें कि कई कार्यकर्ता बजरंगबली के रूप में मुख्यालय में पहुंचे हुए हैं। शिमला में प्रियंका गांधी से मिला एनपीएस कर्मचारी महासंघ का प्रतिनिधिमंडल। ओपीएस बहाली के लिए जताया आभार। जे नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को शिमला में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से भेंट की। वह संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि प्रियंका गांधी क्रमिक अनशन के दौरान सोलन में आई थी और उन्होंने प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली की गारंटी कर्मचारियों को दी थी। इसके बाद उन्होंने जनसभा में भी अपने संबोधन में कर्मचारियों को प्रदेश की पहली कैबिनेट की बैठक में पुरानी पेंशन बहाली का वादा किया था। उन्होंने कहा कि संगठन की ओर से पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रियंका गांधी का धन्यवाद किया। वहीं पुरानी पेंशन बहाली को पहली गारंटी के रूप में रखने के लिए गांधी ने कर्मचारियों से जो वादा किया था उसे सुखविंदर सिंह की सुक्खू के नेतृत्व में सरकार ने पहली कैबिनेट की बैठक में पूरा किया। नालागढ़ की किशनपुरा जेल को शुरू करने के लिए उचित स्टाफ मुहैया करवाने के आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नालागढ़ की किशनपुरा जेल को शुरू करने के लिए उचित स्टाफ की व्यवस्था न करने पर कड़ा संज्ञान लिया है। वहीं अदालत ने अतिरिक्त सचिव वित्त को सचिव गृह, हिमुडा के सीईओ, एसडीएम नालागढ़ और जेल प्रशासन के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बैठक करने के बाद आदेश दिए थे। वहीं अदालत ने अधिकारियों से किशनपुरा जेल में स्टाफ की व्यवस्था किए जाने की रिपोर्ट तलब की है। वहीं मामले की सुनवाई 18 मई को निर्धारित की गई है। एचआरटीसी के परिचालकों की वेतन विसंगति जल्द दूर होगी, मुख्यमंत्री ने दिया आश्वासन। जी, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने राज्य एचआरटीसी परिचालक संगठन को वेतन विसंगति दूर करने का आश्वासन दिया है। वह शुक्रवार देर शाम संगठन का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश सचिवालय में मुख्यमंत्री से मिला और उनसे परिचालकों की वेतन विसंगति का शीघ्र समाधान करने का आग्रह किया। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि जब पिछली बार आप मिले थे तो मैंने आपसे कुछ समय मांगा था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी मांग मेरे जहन में है और उस पर काम हो रहा है। वही बहुत जल्द इस वेतन विसंगति को दुरुस्त कर आपको खुशखबरी दी जाएगी। मानव भारती विश्वविद्यालय के 20 कर्मचारियों ने की उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़, पुलिस का दावा। जे फर्जी डिग्री मामले में फंसे मानव भारती निजी विश्वविद्यालय में 20 अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्तर पुस्तिकाओं के साथ छेड़छाड़ की है। वहीं पुलिस का दावा है कि इसमें लेखाकार, लिपिक, प्रवक्ता आदि अनेक कर्मचारी शामिल है। वहीं पुलिस की विशेष जांच टीम ने फर्जी डिग्री मामले में इन सभी को आरोपी बनाया है। बता दें कि फॉरेंसिक लैब जुनगा से आई सैंपलों की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि अब SIT हाईकोर्ट में जल्द आरोपियों के खिलाफ फाइनल चार्जशीट पेश करेगी। निजी विश्वविद्यालयों पर कसा शिकंजा, PhD की 100 सीटों की हुई कटौती। जी, हिमाचल प्रदेश में स्थापित निजी विश्वविद्यालयों में PhD की 100 सीटों कम हो गई है। वहीं 16 निजी विश्वविद्यालयों को निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग ने इस वर्ष 550 सीटों का ही आवंटन किया है। वहीं UGC के अनुसार पर्याप्त सुविधाएं नहीं होने पर कई विश्वविद्यालयों की सीटों पर आयोग ने कैंची चला दी है। वहीं सभी निजी विश्वविद्यालयों की जाँच करने के बाद आयोग ने बीते वर्ष आवंटित 650 सीटों में से 100 सीटों को कम करने का फैसला लिया है।
ब्यास नदी को प्रदूषित करने पर नगर परिषद पर 15,30,000 का जुर्माना। जब मनाली में ब्यास नदी का पवित्र जल प्रदूषित करने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नगर परिषद पर 15,30,000 रुपये का जुर्माना ठोका है। वही बोर्ड ने नदी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए नगर निगम परिषद को ठोस इंतजाम करने के निर्देश भी दिए हैं। वह रांगड़ी के समीप लगे कूड़े के ढेर से गंदगी ब्यास में मिल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को सजा सुनाने वाले जज समेत 68 की प्रमोशन पर लगाई रोक। जब सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरीश हसमुख भाई वर्मा सहित गुजरात के 68 निचले न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति पर रोक लगा दी है। वे सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हसमुख भाई वर्मा ने भी मानहानि के एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी ठहराया था। वह न्यायमूर्ति M.R. शाह और न्यायमूर्ति C.T. रवि कुमार की पीठ ने कहा कि गुजरात राज्य न्यायिक सेवा नियमावली 2005 के अनुसार योग्यता सवरिष्ठता के सिद्धांत और योग्यता परीक्षा पास करने पर भी पदोन्नति होनी चाहिए। वही नियमावली में 2011 में संशोधन किया था। वही पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा जारी की गई सूची और जिला न्यायाधीशों को पदोन्नति देने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों गैरकानूनी और इस अदालत के निर्णय के विपरीत है। सोमवार से थम सकते हैं लॉन्ग रूट बसों के पहिए, डिप्टी सीएम से मुलाकात की जीत पर अड़े ड्राइवर। जब प्रदेश में कल से लॉन्ग रूट की बसों के पहिए थम सकते हैं। वह दरअसल HRC ड्राइवर यूनियन ने प्रबंधन व सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि अगर 15 मई से पहले डिप्टी सीएम के साथ यूनियन की बैठक नहीं होती है तो फिर 15 मई से एडवांस पेमेंट पर भी रात्रि सेवाएं दी जाएंगी। ऐसे में अभी तक यूनियन की डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री से मुलाकात नहीं हुई है। 18 मई से किरतपुर नरचक फोरलेन पर ट्रायल रन होगा शुरू, जून महीने में उद्घाटन संभव। जे पहाड़ों में सड़कों को लाइफ लाइन माना जाता है, बीते कुछ सालों में पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी सड़क निर्माण का काम बेहतर हुआ है। हाल ही में हिमाचल में किरतपुर नरचक फोरलेन बनकर तैयार हो चुका है। इस फोरलेन को 18 मई से ट्रायल रन के लिए खोल दिया जाएगा। वह इस फोरलेन पर आवाजाही शुरू होने से मनाली पहुंचने वाले पर्यटकों को आसानी होगी और पर्यटन कारोबार भी बढ़ेगा। इसके बाद जून महीने में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इस फोरलेन का औपचारिक रूप से उद्घाटन कर सकते हैं। सीएम सुक्कू ने की हिम परिवार परियोजना की शुरुआत, अब हर परिवार को मिलेगी विशेष पहचान। हिमाचल प्रदेश सरकार जुलाई 2023 से हिम परिवार परियोजना की शुरुआत करने जा रही है। इस परियोजना के तहत प्रदेश के परिवारों को एक विशिष्ट पहचान दी जाएगी। वह चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू ने हिम डाटा पोर्टल का शुभारंभ करते हुए कहा कि हिम परिवार परियोजना के माध्यम से विशिष्ट पहचान वाले परिवार के राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर, विद्युत पेयजल जैसी आवश्यक सुविधाओं की जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हिम परियोजनाओं से जुड़े लोगों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी सुगमता से मिलेगी। नेशनल लोक अदालत में 29,433 मामलों का निपटारा कर दावेदारों को दिए 53 करोड़। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत में 36,383 मुकदमों का निपटारा किया गया। वह सुबह की 133 लोक अदालत बैचों में 285,605 मामले चिन्हित किए गए थे। वह प्री लिटिगेशन के 85,500 मामलों में से 29,433 मामलों का निपटारा किया गया है। वह निपटाए गए मामलों के दावेदारों को 53 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। वहीं बता दें कि 2 लाख वाहन चलान के मामलों में से सिर्फ 6,950 मामलों को निपटाया गया है। वहीं चलान के कंपाउंडिंग शुल्क के रूप में सरकार को 69,80,100 रुपये की राशि प्राप्त हुई है। कर्नाटक में जीत पर प्रतिभा बोली, भाजपा की उल्टी गिनती शुरू, 2024 में केंद्र में आएगी कांग्रेस। जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने कर्नाटक में कांग्रेस की शानदार जीत पर खुशी व्यक्त करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित सभी नेताओं को बधाई दी है। उन्होंने कर्नाटक के मतदाताओं का भी आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं के मनोबल से अब देश के अन्य राज्यों में भी कांग्रेस अपनी जीत का परचम लहराएंगी।